नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं हजारीबाग के कटकमदाग थाने के इस परिसर में हूं। और आप देख रहे हैं कि बहुत गहमा गहमी है और डीएसपी जो हैं सीसीआर के वो यहां आए हुए हैं। विधायक जो बड़का गांव की हैं अम्बा प्रसाद, वो थाने के अंदर बैठी हुई हैं। मामला ये है कि पिछली रात को 8 ट्रैक्टर यहाँ पर बालू से लदा हुआ, जिसे जब्त किया गया था कटकमदाग थाने के द्वारा और जो सीओ हैं उन्होंने इसे जब्त किया था। लेकिन सुबह जब इस बात की जानकारी यहाँ की जो स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद हैं उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो वो थाने पहुँचे और इसी बातचीत के क्रम में आरोप ये है कि जो जब्त ट्रैक्टर थे उनमें से 6 ट्रैक्टर या 7 ट्रैक्टर जो ड्राइवर थे उसके वो यहाँ से ले भागे। और इसी बीच पुलिस और जो अम्बा प्रसाद के समर्थक हैं उनके बीच थोड़ा सा झड़प जैसा भी मामला हुआ, तनातनी हुई और उसके बाद से लगातार यहाँ पे विधायक जो हैं वो थाने के अंदर हैं और अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। अब यहाँ दो तकनीकी पक्ष आप कह सकते हैं कि जो दो टेक्निकल मामला यहाँ फंस गया है। एक तो ये कि जिन ट्रैक्टरों में बालू लेकर आया गया था जिसकी जब्ती हुई थी वो आखिर थाने के परिसर से बाहर निकली कैसे। अब तक जो आरोप है ये कि इसके निकालने के पीछे जो विधायक हैं उनका सह था, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि क्या मामला है अभी लगातार इस पर बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ विधायक जो हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके जो ड्राइवर हैं उनके साथ मारपीट भी हुई है। ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ अभी थाने के अंदर चल रही हैं लेकिन अभी बाहर कोई इस बात को बताने को तैयार नहीं है। समय गुजरेगा और इस मामले में और भी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल स्थिति यही है। विस्मय अलंकार, लगातार .in के लिए। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।